गई है स्टार्ट। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:40, तो बस निकल रहे हैं इंडिया के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बस अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये है हीथ्रो एयरपोर्ट। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट्स लगा है बाय कार। तो बस पहुंचते पहुंचते हमारी चेक इन भी स्टार्ट हो चुकी थी और इस बार हमारे साथ हमारी जर्नी थी वहां पे हमारे एक फ्रेंड भी थे, फ्रेंड और उनके फैमिली, तो वो लोग भी कोलकाता जा रहे थे। तो सच में जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी और स्पेशली बच्चों ने बहुत, वो लोग तो अपने ही जोन में थे, अपने ही मस्ती में थे, तो जर्नी की एक टायर्डनेस जो होती है उन लोगों ने बिल्कुल भी फील नहीं किया। वो I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here. तो अभी जस्ट हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हुआ है और अभी तो सिक्योरिटी चेकिंग मतलब सब कुछ कंप्लीट, अभी बस बैठे रहेंगे। और आज साथ में हमारे और एक फ्रेंड भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो जर्नी मतलब अभी अभी जो टाइम है काफ़ी इजी हो जाएगा, तो बस बातें वगैरह करते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं ट्रांजिट ट्रेन के लिए जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ड्रॉप करती है, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो चल के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ट्रेन में ही जाना बेटर है। तो बस यही है हम सब मिलके, और घर जाने की खुशी सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, तो सब बहुत ही खुश थे कि कितने दिनों बाद हम अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से सबके साथ मीट करेंगे। तो इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं कतार एयरवेज जो कि वाया दोहा है, और दोहा पहुंचने के बाद हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, तो वो मैं एकदम वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। Next, it's a B. बस यहाँ पे बोर्डिंग भी हो गई है स्टार्ट। Thank you.
बस अभी जस्ट बोर्ड हुए हैं और डिले है एक्चुअली फ्लाइट, तो काफ़ी टाइम लग गया। इस टाइम की जो फ्लाइट जर्नी है रोहन ने स्पेशली बहुत इंजॉय किया है, क्योंकि लास्ट जब वो फ्लाइट पे चढ़ा था उस टाइम पे उसका एज था 4.5 साल, तो ऑब्वियसली कुछ भी याद नहीं है उसे। और ये है एक प्रोटेक्टिव किट जो फ्लाइट में ही प्रोवाइड किया है, तो इसके अंदर है एक मास्क, एक पेयर ग्लव्स और साथ में एक हैंड सैनिटाइज़र, जो कि बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है। और साथ में जो होता है एक ब्लैंकेट है और बस मूवीज़ वगैरह देखने के लिए हेडफोन। तो बस हो गई है लंच टाइम और हमने रोहन के लिए किड्स मेनू बुक किया था, तो यहाँ पे एक छोटे बॉक्स में है व्हाइट सॉस मैक्रोनी, साथ में एक बन, वहाँ पे है चॉकलेट मिल्क शेक, ये है एक केक, ये ऊपर एक क्रीम का लेयर है, अंदर है एक केक, साथ में है ब्रेस्टिक्स का एक पैकेट, एक चॉकलेट किटकैट, और मेन जो आइटम है उसमें दिया है 2 फ्राइड चिकन पीसेस और साथ में बॉयल्ड वेजिटेबल्स और थोड़ा सा राइस था। और इसके अलावा था एक किशमिश का पैकेट, एक छोटा सा बटर और टोमेटो केचप, और ड्रिंक में रोहन ने लिया है ऑरेंज जूस। तो ये है उसका लंच मेनू। हाउ इज इट रोहन? और साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ब्लू बॉक्स में रोहन लंच कर रहा है वो एक बड़ा सा लंच बॉक्स है, मतलब खाना कंप्लीट होने के बाद वो किड्स अपने घर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है हमारा लंच, तो हमने ऑर्डर दिया था हिंदू नॉनवेज, तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 2 छोटे बॉक्स में है, एक में है मूस और एक में है रिजोटो, जो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, और साथ में है ऑरेंज जूस। ड्रिंक तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, और मेन कोर्स में जो है वो काफ़ी टेस्टी था, वो है सैफ्रन राइस और बटर चिकन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में है एक ब्राउन ब्रेड। तो हमारा जब लंच आया तो रोहन ने अपना लंच छोड़ दिया और हमारे लंच में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने वही दिया उसे, सैफ्रन राइस और चिकन उसे दिया है। तो उसके बाद हम दोनों ने शेयर करके ही खाना खाया है, और जो होता है बच्चों के लंच के कंपैरिजन में बड़ों का लंच ऑब्वियसली टेस्टी ज़्यादा होता है। Sometimes you need to go, take a step back.
see the truth around you. From a distance you can tell. तो बस अभी फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड होने वाली है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है सच में, बैठ बैठ के हालत ख़राब एकदम। तो लंदन से दोहा का जो टाइम है वो अप्रॉक्स 7 to 8 hours की जर्नी है। फिर हमारा था दोहा से कोलकाता, वो अप्रॉक्स 5 hours, और दोहा से कोलकाता की जो जर्नी है वो मेरा शूट करना नहीं हुआ क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी इसीलिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं दोहा एयरपोर्ट, और दोहा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। हमें ये पता चला कि हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी दोहा से कोलकाता की, वो मिस हो चुकी है। काफ़ी सारे बंगाली फैमिलीज़ थे तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कैसे अभी जाएंगे, तो ये सब बातचीत हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था उस टाइम सच में। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है, तो ये एक्चुअली हमारी जो फ्लाइट है वो बॉम्बे में लैंड हो रही है, तो उसी की एक छोटी सी क्लिप है। तो हमारे जो टीवी स्क्रीन है वहाँ पे जो फ्लाइट व्यूज़ है वो भी शो करते हैं, जो कैमरा व्यूज़ है फ्लाइट की। तो ये एकदम फॉरवर्ड वाली कैमरा है, तो बस यही ऑन था मेरा, और फ्लाइट जो लैंड हो रही है इसका ही छोटा सा एक क्लिप है। फाइनली जाके पहुंच गए हैं कोलकाता। काफ़ी डिले थी फ्लाइट और काफ़ी सारी चीज़ें हुई इसलिए काफ़ी देर भी हो गई थी। तो फाइनली अपनी सिटी में, जब भी कोलकाता में आती हूँ सच में इतना अपनापन फील होता है, ऑब्वियसली क्योंकि बचपन से यहीं पे तो बड़ी हुई हूँ इसीलिए। बस रोड को ही एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी सारी चेंजेस हो गए हैं वो सारे देख रही हूँ। कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। तो बस इसके बाद फाइनली घर, और क्या। ये वाली जो क्लिप है ये मैं अपने घर से कर रही हूँ, मतलब हम वापस आ चुके हैं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा रह गया था, और जो होता है घर पहुँचने के टाइम पे, मतलब घर पहुँचने के बाद, मतलब आप सब भूल जाते हो। मम्मी पापा के साथ इतने टाइम बाद मिले और इतने साल बाद मिले, इतनी सारी बातें, वो एक अलग इमोशन होती है। तो बस बातों में एकदम हम बह गए जिसे बोलते हैं, और उसी में लग गए थे। तो ये मेरा क्लिप जो था ये रह गया था, तो ये मैं यहाँ पे आके मैंने सोचा कि ये मैं बना लेती हूँ। तो मेरा इस बार कतर एयरवेज में ट्रैवलिंग फर्स्ट है, तो मैंने सोचा कि उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हमारा जो जर्नी था वो यहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट से दोहा था, फिर दोहा में 2 hours की लेओवर थी, फिर उसके बाद कोलकाता। लेकिन यहाँ से ही फ्लाइट ऑलमोस्ट 2 hours डिलेड थी, तो वही एक टेंशन था माइंड में कि नेक्स्ट फ्लाइट हमें मिल जाए। तो हमने कंफर्म भी किया था, लेकिन वहां से बताया गया कि हाँ, मतलब वो लोग वेट करेंगे, नेक्स्ट फ्लाइट तो मिल जाएगी। तो दोहा एयरपोर्ट में हमें शॉक लगा कि हमारा फ्लाइट हो गया है मिस। मतलब काफी सारे फैमिलीज थे, सिर्फ कोलकाता की फ्लाइट मिस नहीं हुई थी, अलग अलग कई सिटीज के फ्लाइट भी मिस हो गए थे। तो वहां पे 3-4 फैमिली बंगाली फैमिलीज थी जो हम लोग कोलकाता जाने वाले थे। तो जो होता है काफी टेंशन था, एक तो जर्नी काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके बाद अगर ऐसे न्यूज आपको मिले
तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुई उस टाइम पे। तो फिर हमें दो ऑप्शन दिए कि एक हम 24 आवर्स दोहा में ही रुके, वहाँ के होटल में रुके, नेक्स्ट डे इवनिंग 6 या 6:30 ऐसा कुछ था फ्लाइट, ये एक ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था हमें वाया बॉम्बे होके जाना होगा कोलकाता। तो मैक्सिमम लोगों ने हमने वही चूज किया कि वाया बॉम्बे होके हम जाएंगे, लेकिन सच कहूँ तो काफ़ी हैसल हो जाती है अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो, और स्पेशली जब बच्चे साथ में रहे। फिर हमें बॉम्बे के लिए, मतलब जब हमने चेकिंग किया तो हमें हमारा जितना भी सामान था, कार्गो के जितने भी सामान थे, सब हमें लेना पड़ा, सब सामान लेके फिर से हमें चेक इन करना पड़ा बॉम्बे के फ्लाइट के लिए। तो दोहा से बॉम्बे भी कतर एयरवेज ही था, फिर बॉम्बे टू कोलकाता फ्लाइट चेंज किया, वो था एयर इंडिया। तो जर्नी में भी, मतलब टाइम में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया था, तो जिस टाइम पे हम पहुंचने वाले थे उससे काफी लेट हम पहुंचे घर। तो ये था जाने का एक्सपीरियंस। फर्स्ट हमारी जो जर्नी थी हेथ्रो से दोहा, वो एकदम अच्छा था, स्मूथली गया, कोई टेंशन नहीं थी। तो हमारे फ्रेंड्स भी जैसे साथ में थे, तो ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो और इतना ज्यादा टाइम आपको, मतलब, स्पेंड करना पड़ता है, काफी दिक्कत होती है। तो वो लोग थे, बातें वगैरह ये सब हुआ, और स्पेशली बच्चे, क्योंकि वो दोनों वैसे भी फ्रेंड्स हैं, तो उन दोनों को वो जो एक वेटिंग टाइम है वो उनको फील नहीं हुआ, रोहन और उसकी जो फ्रेंड है वो। तो जाने की जर्नी में, यहां से दोहा की जर्नी स्मूथ रही, लेकिन दोहा से कोलकाता का तो ऐसा था, तो इसलिए उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो ये था, और बाकी कतर का जो सर्विस है काफी अच्छा है, खाना भी काफी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक था। लेकिन ये चीज, मतलब ये चीज एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। तो ये तो जाने के टाइम में हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन आने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसा हमारा शेड्यूल था वैसा ही हुआ, हम कोलकाता से दोहा तक गए, फिर दोहा से हम यहाँ आ गए। तो यही है, ये है हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, और बाकी तो कुछ नहीं, जितने भी टाइम हमने स्पेंड किए, मतलब टाइम कहाँ से निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। और सच कहूँ तो मैंने, मतलब वहाँ पे मैंने वीडियोस, मैंने क्लिप्स लिए हैं, जो भी स्पेशल मोमेंट्स है मैंने क्लिप्स लिए हैं, लेकिन एज सच मैंने कुछ कंटिन्यूअस व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए, क्लिप्स करके मैंने मोमेंट्स को कलेक्ट किए हैं, ऐसा है। और मेरा था कि जितना भी टाइम मैं अभी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, काफ़ी लिमिटेड टाइम है, और स्पेशली रोहन के स्कूल के लिए ही हम और एक वीक एक्सटेंड हम नहीं कर पाए, तो बस उतने टाइम में लगता है कि जितना भी टाइम आप अपने फैमिली के साथ हो, बस कम्प्लीटली उनके साथ डेडिकेट करो टाइम। तो वैसा ही किया, और मैंने क्लिप्स लेके रखे हैं, बस एडिटिंग आने के बाद मैं कर रही हूँ। तो ऐसा है, बहुत बहुत अच्छा टाइम गया कोलकाता में, पुणे में, हम पुणे भी गए थे वहां से, तो आप व्लॉग्स में देखेंगे। तो वही है, और आने के बाद उतना ही बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाता है। ऐसा है, रोहन का स्कूल 2 दिन का गैप था, उसके बाद उसका स्कूल भी ओपन हो चुका है, तो बस अभी स्कूल जैसे स्टार्ट हो गया है। हस्बैंड का भी ऑफिस अभी जाना पड़ता है 1-2 दिन, मतलब हम गए थे उसके पहले तो मतलब वो डेली ऑफिस जा रहे थे, लेकिन अभी वीक में, अभी आज जैसे ऑफिस गए हैं, तो जैसे आप थोड़े थोड़े रूटीन में आते हो तो थोड़ा थोड़ा सेटल होता है सब कुछ। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी सब कुछ इंडिया स्पेशल ब्लॉग्स होंगे, जितना भी मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के साथ शेयर मैं जरूर करूंगी। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।